हेलो फ्रेंड, दिस इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड लाइब्रेरी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेगी जब तक हम न्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब इसीलिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर देना आप लोगों के, और सब्सक्राइब तो जरूरी है एकदम। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज क्वेश्चन में बात करने वाले हैं हम लोग नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ आर्टिकल है जीएफजी का, बस निकालना है मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन अ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो क्या क्वेश्चन में है, बस हमें ग्राफ दिया हुआ है और बताना है कि कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उस ग्राफ के अंदर। ओके, पर हमारा ग्राफ डायरेक्टेड भी हो सकता है तो अनडायरेक्टेड भी हो सकता है, तो लोग उस हिसाब से कोड लिखना है कि हम दोनों केस को हैंडल कर सके। ओके, तो चलते हैं नीचे। जैसे यहाँ एग्जांपल आई थिंक एक ये डायरेक्टेड ग्राफ का दिया हुआ है, तो आराम से देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा। टू ट्रायंगल्स आ रहा है आंसर पे, क्या 0 2 1 0 2 1। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक 1 3 2 से बन रहा है, 1 3 2 से एक ट्रायंगल बन रहा है। तो सिर्फ यहाँ दो ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली सिंपली सा 2 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया। अब मैं बताता हूँ उसे सॉल्व कैसे करूंगा। तो चलते हैं इसके इंट्यूशन की तरफ। तो मैंने भी यहाँ एक ग्राफ ले लिया है, पहले मैं बताता हूँ अनडायरेक्टेड ग्राफ फिर बताऊंगा डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो ये पहले दिया हुआ है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो मैं बेसिकली सिंपल सा एक सोल्यूशन है इसका, एक ही सोल्यूशन है इसका, वही मैं बताने जा रहा हूँ सिंपल सा। क्या करेंगे हम, मतलब मुझे तो सिंपल 3 पॉइंट चाहिए ना, और 3 पॉइंट मुझे क्या देखना है। जैसे मान लीजिए मुझे आई मिल गया, मान लीजिए 0। ओके, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आई मिला 0, जे मिला 1 और के मिला 2। तो बस मुझे क्या चेक करना है कि 0 से 1 एक एज है कि नहीं, 1 से 2 एक एज है कि नहीं, और 2 से 0 एक एज है कि नहीं। ठीक है, कोई भी आई जे मुझे मिल जाता है, उसके बाद मुझे बस ये 3 कंडीशन चेक करना है कि उन तीनों के बीच में आपस में एक एक एज है कि नहीं, क्योंकि वही एक ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, क्योंकि 3 नोड से ही हमें ट्रायंगल मिलेगा। तो बस 3 नोड में देख लो कि आपस में एजेस है कि नहीं, अगर है तो मुझे ट्रायंगल वहां मिल जाएगा और एक काउंटर इंक्रीज कर दूंगा मैं। ओके, तो बस यही कंडीशन चेक करना है। तो ये 3 पॉइंट के लिए मैं क्या करूंगा, 3 लूप चलाऊंगा सिंपली, नेस्टेड लूप्स। ओके, एक आई का चलेगा शुरू से लेकर लास्ट तक वी तक, दूसरा जे का चलेगा शुरू से लेकर वी तक, और तीसरा के का चलेगा 0 से V तक। ठीक है, मुझे एक आई एक जे एक के मिलेगा। बस मैं क्या चेक करूंगा, आई से जे तक, जैसे मान लीजिए यहाँ मेरा आई था 0, जे था मेरा 1 और के था हमारा 2। ओके, बस मैं चेक किया कि आई से जे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कोई ना कोई एक एज, जे से के एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, और के से आई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करेगा तो हमारा आंसर वहां पर एक, मतलब एक ट्रायंगल वहां फॉर्म हो रहा होगा। बट इसका एक क्या डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, एक क्या कि जैसे हम लोग 0 पे आएंगे ना, अगर मेरा इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं हटाया, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटीज बहुत सारे आ जाएंगे। क्या कि मेरा आई 0 है, फिर जे 1 है और के 2 है, ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा। फिर मुझे ये भी एक केस मिल जाएगा, आई 0 है, जे आपका 2 है और के आपका 1 है, ये भी एक ट्रायंगल मिल जाएगा। अब देखिए और भी ट्रायंगल मुझे मिलेगा, 1 2 0 आई जे के, 1 0 2 आई जे के, ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा मुझे। फिर 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 0 1, ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा मुझे, और 2 1 0। तो देखिए मुझे कितना ट्रायंगल मिला, 1 2 3 4 5 6, मतलब मुझे एक ही ट्रायंगल में 6 ट्रायंगल मिल गया, क्योंकि मैं सारे आई जे और के को मैं वहां पर चेक कर रहा हूँ कि वहां ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो सारे आई जे को चेक करूंगा तो ऑफकोर्स वहाँ पॉसिबल तो है, क्योंकि हर एक पॉइंट से वो चेक कर रहा है। तो मुझे यहाँ 6 ट्रायंगल्स मिलेगा एक ही ट्रायंगल के अंदर में। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मुझे तो 6 ट्रायंगल्स नहीं चाहिए, मुझे 1 ट्रायंगल चाहिए। तो यहाँ क्या थ्योरी मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे जब अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है, तो जहाँ 1 ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उसका मुझे 6 ट्रायंगल आंसर मिल रहा है। तो सिंपल सा बात है, उसको आंसर को 6 से डिवाइड कर दो। उसी तरह आपको मैं बताता हूँ, अगर मेरा मान लीजिए यहाँ देखिए 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, एक देखिए 1 0 2 से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसको दूसरा पेन से दिखाता हूँ, ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और एक ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है, 0 3 1 पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, बहुत कचड़ा हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, 0 2 1 पे और एक हो गया 1 2 3 पे। तो 2 ट्रायंगल है, बट मेरा काउंटर पे क्या आएगा, 12 आएगा। इसका इस वाले ट्रायंगल के लिए 6 और इस वाले ट्रायंगल के लिए 6 आएगा, तो 12 आएगा। तो मैं क्या बोला कि एक ट्रायंगल में मुझे 6 मिल जा रहा है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 6 से, मैं 12 आंसर देगा, उसे डिवाइड करो 6 से, तो 2 आएगा। तो हमारा वहां आंसर 2 हो जाएगा। बेसिकली जो ये गिवन टेस्ट केस है, जो यहाँ मैं देकर रखा हूँ ग्राफ, इसका आंसर भी क्या है, नॉर्मल 2 है। ओके, तो ये इसका आंसर है। तो ये तो हो गया अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए। अब डायरेक्टेड के लिए क्या करेंगे, चलिए मैं पहले यहाँ डायरेक्टेड बना देता हूँ। एक 0 से 1 ये कर दिया, इसको 1 से 2 कर दिया और 2 से 0 कर दिया। और यहाँ क्या करता हूँ, 1 से 2 है ना, तो 2 से 3 कर दूंगा और 3 से कर देता हूँ 1। ओके,
ये दो आप लोग को डायरेक्टेड ग्राफ, बेसिकली डायरेक्टेड ग्राफ दिख गया। यहाँ भी आंसर टू ही है, वही क्या है, टू जीरो वन टू पे एक मिल जा रहा है ट्राइंगल, और एक वन टू थ्री पे मिल जा रहा है ट्राइंगल हम लोग को, तो यहाँ भी आंसर टू है। बट इसे मैं क्या करूंगा, जब सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या मिलेगा मुझे, इसको पहले बार रब कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ भी वही सेम कहानी करूंगा मैं, आई जे के ले लूंगा, बट यहाँ पर क्या होगा, मुझे छह की जगह कितना मिलेगा, यहाँ पर जो ट्राइंगल्स कितना मिलेगा एक के लिए, तीन मिलेगा। कैसे, देखिए जीरो वन टू पे एक ट्राइंगल मिला मुझे, ओके जीरो वन टू पे मिल गया, एक मिल जाएगा वन टू जीरो पे मिलेगा एक ट्राइंगल, और एक मिलेगा टू जीरो वन पे मिलेगा। मुझे जीरो टू हमने क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा वो तो डायरेक्टेड ग्राफ है ना, तो जीरो से टू तो कोई एज नहीं है मेरे पास, तो इसलिए जीरो टू वन वाला नहीं मिलेगा मेरा, सिर्फ जीरो वन टू मिला। उसी तरह जब वन से स्टार्ट किया तो वन टू जीरो मिलेगा, बट वन जीरो टू नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो यहाँ से यहाँ एज नहीं रहा है वन से जीरो। उसी तरह टू से भी करोगे तो टू जीरो वन पे मिलेगा, बट टू वन जीरो पे नहीं मिलेगा। तो मेरा मतलब क्या हुआ, डायरेक्टेड जब ग्राफ था तो एक ग्राफ एक ट्राइंगल का मुझे तीन ट्राइंगल मिल जा रहा है आंसर पे, तो वही कहानी करना है मुझे। फाइनल आंसर को डिवाइड बाय क्या करना होगा, थ्री करना होगा, क्योंकि यहाँ एक ट्रायंगल का मुझे तीन ट्रायंगल निकल के आ रहा है। उसी तरह देखिए यहाँ पर टू जीरो वन एक ट्रायंगल मिला, और एक वन टू थ्री ट्रायंगल मिला, तो टोटल ट्रायंगल टू है, पर मेरा आंसर पे सिक्स होगा, थ्री इसका सिक्स हुआ। अब सिक्स को डिवाइड करो थ्री से, तो आंसर क्या आ जाएगा, टू। तो डायरेक्टेड भी इसका आंसर क्या है, टू ही है, ओके। तो बस यही कहानी करना है, चलते हैं कोड की तरफ फटाफट। तो कोड आ जाते हैं, तो मैं यहाँ पर एज एक वेट क्या बोलते हैं वर्टिसेस लेकर रखा हूँ, फोर एक ग्राफ ले लिया हूँ, ये बेसिकली मैं लिया हूँ अनडायरेक्टेड ग्राफ, ओके। यही वाला एग्जाम्पल है, ये सेम एग्जाम्पल है इसका, वो एजेस ये हटा दो, डायरेक्टेड वाला पार्ट जो पहले था वो वाला एग्जाम्पल है, ओके अनडायरेक्टेड ग्राफ का। अब एक चेक कर लिया मैं बूलियन पे, एक ले लिया इज डायरेक्टेड, अगर डायरेक्टेड है क्या तो मैं फॉल्स ले लिया, क्योंकि ये भी तो मैंने एग्जाम्पल पे अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया है, तो मैं यहाँ इज डायरेक्टेड पे फॉल्स लेके चलता हूँ, ओके। ये काउंटर ले लिया ट्राइंगल्स काउंट करने के लिए, और तीन लूप चलाया सिंपली, जैसे मैं बताया था आप लोगों को, आई जे के का मैं चलाऊंगा, आई जीरो से भी, जे जीरो से भी, और के जीरो से भी, ठीक है। अब सिंपल मुझे क्या करना है, ये तो बेसिकली एडजेंसी मैट्रिक्स है ना, बस क्या चेक करना है मुझे, आई से जे पे मेरा वन है, मतलब बेसिकली ग्राफ ऑफ आई जे पे मेरा वन है, मतलब आई से जे का एक एज वहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ग्राफ ऑफ जे के वन है, मतलब क्या हुआ, ग्राफ जे से के तक का एक एज एग्जिस्ट कर रहा है। ग्राफ ऑफ के आई अगर वन है, इसका मतलब क्या हुआ, के से आई तक का एक एज एग्जिस्ट कर रहा है। तो वही बस मैंने चेक कर लिया, मैंने बताया था आप लोग को वहाँ इंट्यूशन पे, कि ग्राफ ऑफ आई जे एग्जिस्ट कर रहा है अगर, ग्राफ ऑफ जे के एग्जिस्ट कर रहा है, और ग्राफ ऑफ के आई एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है मतलब क्या, वहाँ वन अगर है, तीनों अगर ट्रू है, तो मतलब क्या, मुझे एक ट्रायंगल मिल जा रहा है, और काउंटर प्लस प्लस कर दो, बस इतना करना। ये फॉलो के बाहर आ गया, इसमें बताया आप लोगों को कि अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ रहेगा तो उसमें छह एक्स्ट्रा मिलेगा एक ट्रायंगल का, और डायरेक्टेड रहेगा तो तीन एक्स्ट्रा मिलेगा एक ट्रायंगल के लिए, ओके। तो ये मैंने बस यहाँ चेक कर लिया, इफ इज डायरेक्टेड, या इज डायरेक्टेड है अगर ट्रू होता, मैं सिंपली काउंटर को थ्री से डिवाइड कर दिया, और ये फॉल्स है मतलब क्या, वो अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो काउंटर को मैं सिक्स से डिवाइड कर दिया। फाइनली मेरा काउंटर पर आंसर आया, उसे मैंने प्रिंट कर दिया, बस इतना करना था सोल्यूशन। तो इसे रन करता हूँ, तो देखिए रन करने पे क्या आएगा, टू आएगा, पहले करके देखा था पहले टू ही था, ओके। और इसका सल इसका जो इंट्यूशन है, मैंने देखिए टू आ गया आराम से, ठीक है। और ये इंट्यूशन भी टू दिख रहा था हमें आंसर, जो मैंने यहाँ निकाला टू, ठीक है। तो होपफुली सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो वी क्यूब आपको तो दिख ही रहा है, और यही इसका एकदम बेस्ट अप्रोच है ये करने का, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है। और कोई अप्रोच नहीं है इसका, तो वी क्यूब है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस ओ ऑफ वन, क्योंकि यहाँ कुछ हम लोग एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे हैं, ये तो इनपुट ही था, तो इसको नहीं मानते हम लोग कभी भी, ओके। और ये सब तो ओ ऑफ वन में देखिए ले रहे हैं हम लोग सब कोई, ओके ओके। तो ये हो गया टाइम वी क्यूब, और स्पेस हो गया आपका ओ ऑफ वन, बस और कुछ नहीं, इतना था सोल्यूशन। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है तो नए वीडियो बनाने का भी मन करता है, और मोटिवेशन मिलता है तो, ठीक है। और शेयर जरूर करिएगा, ओके। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन बाय बाय।